वेलकम बैक टू लेवल नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 2 में आपने देखा कि कैसे फर्स्ट कार चली गई और सेकंड कार हमारे बिज्जू भाई कंपटीशन नंबर 102 टॉपल हो गए। अब टॉपल होने के बाद क्या होता है, मैं आपको थोड़े से रेगुलेशन समझा दूँ। इसमें क्या होता है, हर कॉम्पिटिटर को 15 मिनट मिलते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आपको वहाँ से स्टार्ट होना है और वापस घूम के जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ तक आपको आना है, आपको 15 मिनट मिले। इसके बीच में आप कौन कौन से चैलेंजेस कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है, और उसमें कितनी पेनल्टीज़ के बिना आप करते हैं इस पर डिपेंड करता है। जो फास्टेस्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आपके पास 15 मिनट हैं पूरा का पूरा स्टेज कवर करने के लिए। अब उसमें पेनल्टीज़ अलग अलग होती हैं, कौन डिस्प्लेसमेंट हो गया या बंटिंग टूट गई, उसके बारे में भी हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी कमिंग अप टू दिस स्टेज, यहाँ पर बिज्जू भाई टॉपल हो गए हैं, लेकिन उनके पास 15 मिनट्स हैं अपने आप सेल्फ रिकवरी अगर वो कर लें विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन। तो बिज्जू भाई हु इज़ द ड्राइवर, बिट्टू हु इज़ द को ड्राइवर और उनकी कार, अगर ये अपने आप इसको रिकवर करके 15 मिनट से पहले पहले एंड तक पहुंच जाते हैं तो वो DNF नहीं होंगे। DNF स्टैंड्स फॉर डिड नॉट फिनिश, तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर DNF हो जाए तो खाली 20 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप DNF नहीं होते स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी पेनल्टीज़ लेस कर दी जाती हैं और कितना टाइम आपने कवर किया इस आधार पर। तो अब जो संघर्ष है वो ये संघर्ष है, पहला कि बिज्जू भाई सेफ हों, उनको चोट ना लगी हो, है ना, और उसके बाद अगर वो सेफ हैं, जो कि वो सेफ हैं हम आपको बता देते हैं, तो बिट्टू और बिज्जू भाई कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करके विदाउट टेकिंग अदर्स हेल्प इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँचेंगे या नहीं ये तो हम देखते हैं, अभी पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, लेकिन संघर्ष किस तरह से होता है ये हम आपको दिखाते हैं। एक और बात, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि डेविड एक नाम बोला था, हु इज़ डेविड, डेविड इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जो RFC मलेशिया से यहाँ आते हैं क्या करने के लिए, स्टेजेस बनाने के लिए, एंड ही मेक श्योर कि कोई रूल ब्रेक ना हो, कोई किसी की लाइफ किसी रिस्क पे ना हो, एंड दैट इज़ द ट्रिकीएस्ट पॉइंट कि जब यहाँ पर टॉपल हुई, क्योंकि अभी गेम स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट स्टेज है, तो डेविड वॉज देयर। जब डेविड वहाँ पर होते हैं तो किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती, तो ये बीच बीच में कहीं भी कुछ पंगा होगा
तो ये टोकते रहेंगे, वो थोड़ा सा उससे क्या होता है और स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, टाइम में और लॉस हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी लापरवाही नहीं कर सकते। क्या डेबिट के होने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये भी देखते हैं। इसमें घुसना आसान है लेकिन सीट पे उसी एंगल से बैठना थोड़ा सा ट्रिकी है। कंप्रेसर होगा इसमें, अगर सीट पे कैसे बैठ सकते हैं ये भी एक चैलेंज है। अभी डेविड अब कह रहे हैं कि विजय भाई सीट बेल्ट लगाएं, पर वो खड़े हैं तो कैसे बैठ सकते हैं इस पोजीशन में और सीट बेल्ट लगा सकते हैं, ये बहुत ट्रिकी है। किसी और मार्शल का होना डेविड के होने में बहुत फर्क है। All stages are 15 minutes?